दिस इज सम्या चौधरी, वेलकम बैक टू सम्यास किचन। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है ज़ीरा राइस एंड हांडी कौरमा। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे सबसे पहले वो नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे राइस। देखें, मैंने 1 kg लिए हैं राइस, ऑलरेडी मैंने इन्हें भिगो के रख दिया है और ये घर के हैं। 10 से 20 मिनट तक आप इसे भिगो देंगे तो ये अच्छे से राइस जो है वो कितना ना फूल जाएंगे। उसके बाद प्याज हैं, प्याज देखें मैंने लच्छेदार बना कटिंग की है, ठीक है। और टमाटर देख लें, 1 लार्ज है, इस किस तरह मैंने कटिंग की है। और ग्रीन मिर्चें भी इस तरह कटिंग की है। और इसके अंदर इमली का पेस्ट जाएगा, 2 लेमन है, मसाला जो है उसमें सिर्फ ज़ीरा मसाला जाएगा, ठीक है। और साथ है रेड चिली है, सुरख मिर्च है और हसबे जायका, इसमें नमक जाएगा। और अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो है हंडी मसाले की, जो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं जी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हंडी कौरमा है, और हंडी कौरमे के लिए मैंने चिकन का गोश्त लिया है 1/2 kg, और इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है, और हसबे जायका मैंने वो लिया है नमक, और थोड़ा सा मैंने कितना 1/2 tablespoon जो है वो गरम मसाला है, और अच्छे से धनिए में मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से इसको पेस्ट बना के इसको गोश्त के अंदर शामिल कर दिया है ताकि वो गोश्त जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट वो टमाटर है, टमाटर प्यूरी है, ठीक है। और ये लार्ज टमाटर हैं 2, उसकी अच्छे से प्यूरी बना लीजिएगा। और जो लार्ज 2 मैंने लिए हैं प्याज, और इसके देखें जो पानी है बिल्कुल खुश किया है मैंने, ड्राई किए हैं, ठीक है। इसके लिए ड्राई ही होने चाहिए प्याज। हसबे जायका धनिया है, चॉप की हुई कितना ग्रीन चिली है, सब्ज मिर्च है, और इसके साथ जो मसाले शामिल होंगे वे हसबे जायका नमक, हल्दी पाउडर होगा 1 tablespoon, हाँ आप फुल एंड हाफ टेबल स्पून आप मिर्च ले सकते हैं, वो ऑलरेडी मिर्च उसमें यूज़ कर चुके हैं और आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। गरम मसाला, और अब जो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे वो राइस है। राइस सिंपल बनाना है, जिस तरह हम राइस बनाते हैं, ठीक है। उसमें जो प्याज होंगे वो ब्राउन नहीं करने हैं, हमने जस्ट सोते करने हैं। और आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जस्ट एक इन्ग्रीडियंट रह गया इसमें शामिल करने वाला, वो है इमली का पेस्ट, ये थोड़ा सोते हो जाए। इसमें आप शामिल करेंगे एंड में इमली का पेस्ट, देखिए मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैंने छोटा जो कप है वो यूज़ किया है, क्योंकि जो ऑयल है वो हमारी सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब जस्ट हम जितना पानी राइस लें सॉरी हम उतने माइस के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर देंगे, और उसके बाद ये हमारे हो जाएंगे राइस कंप्लीट। और जब अब राइस कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं आपको डिश आउट करने के बाद इसको दिखाऊंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा हंडी है, हंडी कौरमा, वो बनाना स्टार्ट करेंगे जी। मैंने 1 कप जो है वो ऑयल यूज़ किया है, देख लें, क्योंकि मैं आपको पता है ऑयल कम ही यूज़ कर रही होती हूँ। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो प्याज थे हमने ड्राई किए थे, ठीक है, इनका पानी बिल्कुल ड्राई है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हमने लाइट ब्राउन करना है हम प्याज, और देखिएगा कितनी टेस्टी हमारी ये हंडी कौरमा बनती है। जी ये देखें, हम 1 कप जो है वो ऑयल यूज़ किया है, ऑयल यूज़ कर लें या घी यूज़ कर लें, ठीक है। और अब इसमें डालूंगी मैं ये जो हमने लच्छेदार प्याज वो किए थे, इसको सोते करना है हमने, इसको लाइट ब्राउन नहीं करना। और उसके बाद बाकी इंग्रीडियंट शामिल होंगे, ये सिंपल जैसे हम राइस बनाते हैं वैसे ही राइस बनेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से सोते कर लूँगी मैं। ये देख लें, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, जस्ट सोते किए हैं, मैंने ब्राउन नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो शामिल होंगे वो बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। इसमें मैं टमाटर यूज़ करूँगी, सॉरी सब्ज़ मिर्च यूज़ करूँगी, इस थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हम, ये भी थोड़ा सोते हो जाए।
इसमें शामिल जो करेंगे वो इन्ग्रीडियंट शामिल करेंगे हम लोग। ये देखने अच्छे से जो है टमाटर भी देखने हैं और सबज मिर्च भी देखने हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, इसे अच्छे सोते कर लिए। और देखिए कितना अच्छा मसाला लग रहा है, और जब ये राइस बनेगी तो इतना अच्छा लगेगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम मसाले, सुरख मिर्च जो थी वो शामिल कर लेंगे बीच में, गरम मसाला और नमक जो है वो हम हंसते जायका यूज़ करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैंने ये जो नमक है मैंने 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया था, ऑलरेडी मैंने कमाई की थी उसकी। अब जस्ट एक इंग्रेडिएंट, ये देख लें जी हमारे प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन से हो गए हैं, कलर इनका आ गया ठीक है अच्छे से। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट किया था, ये देखिए। अब इसे इसको अच्छे से भून लेंगे। इंडिया में कौरमा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टेस्ट भी बहुत बनता है। अब इसके बाद जो हम है टमाटर प्यूरी को बाद में शामिल करेंगे, तो उससे पहले इसे अच्छे से भून लेंगे जी। ये देख रहे हैं हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से गोश्त, ये देखें। और एक और चीज़ दिखाऊँ, आप ये देखें जो मैंने चॉप करके रेड मिर्च यूज़ की थी, सुरख मिर्च, वो किस तरह कितनी अच्छी लग रही है। ये मीन्स वो पेस्ट बनाया था मैंने सुरख मिर्च का, ये देखें। अब इसमें शामिल करेंगे हम बाकी मसाले, बाकी मसाले में जो शामिल होगी वो है सुरख मिर्च ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सुरख मिर्च यूज़ कर चुकी हूँ। और उसके बावजूद क्योंकि आपको पता है जो पंजाबी होते हैं वो थोड़े स्पाइसी खाना खाते हैं, तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो थोड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ किया, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। गर्म मसाला है और हंसपे जायका नमक है, हल्दी पाउडर है, ये सारी चीज़ें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से एक दफ़ा भून लेंगे। और एनिमल जो शामिल करेंगे वो होगा टमाटर प्यूरी, ये देख लें। ये बिल्कुल रेडी है। अब जो है इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा टमाटर का है, टमाटर शामिल करेंगे हम फुल, मैंने 1 कप लिया है क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है इसकी। और लास्ट में हम जो चॉप की हुई है सब्ज मिर्च हमने 2 ली थी और धनिया स्प्रिंकल करेंगे ऊपर जी। हमारी इंडिया जो घी है तैयार, इंडिया को अपना देख लें, मैंने जो घी है जो ऑयल कम ही यूज़ किया था, और आप देख लें ये कितना ऑयली हो चुका है कौरमा हमारा। और अब जो लास्ट में है वो ग्रीन कहते हैं मिर्चे हैं, ये सब्ज मिर्चे यूज़ करेंगे और तो करेंगे स्प्रिंकल धनिया। और उसके बाद रेडी हो चुकी है हमारी इंडिया कौरमा, और इसको डिश आउट करेंगे, फिर मैं आपको काम स्टार्ट करूँगी। और ये गया धनिया, और भिंडिया हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। देख लें हमारे जीरा राइस रेडी हो चुकी है, और इस कलर देख लें, इसमें मैंने टमाटर यूज़ किए थे, सब्ज मिर्च यूज़ की थी, और मैंने ऊपर कर दिया स्प्रिंकल ठीक है, साथ थोड़ा सा सलाद होना चाहिए लाजमी। और कौरमा रेडी हो चुका है हमारा हंडी कौरमा, और हंडी कौरमे का भी देख लें इसकी पिक्चर, ये खाने में फर्स्ट क्लास है। और प्लीज़ बनाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ मैं यूज़ करती हूँ कहते हैं ना पुदीने की चटनी, ग्रीन चटनी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।